नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान की जो लाल किले से भी झूठ बोले हैं। नहीं पता हो तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि लाल किले से भी झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन है। जिन्होंने राम के नाम पे जो सत्ता में आए हुए थे, जो राम के नाम पे देश की जनता को गुमराह किए, मुंह में राम बगल में छुरी, जिनके शासनकाल में सत्ता के पीछे बैठे रहे, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया जो बताना चाहता है इस हिंदुस्तान को सिर्फ मोदी मोदी मोदी। अरे ऐसा मोदी कि विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का प्रचार करने आता, नमस्ते ट्रंप। और हुआ क्या, जो भारतीय जनता पार्टी कई नारों के उद्बोधन के जरिए इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम की। आप सबको पता है कि हमारा प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। मेरी नाराजगी सबसे ज्यादा तो मीडिया से ही है। अच्छा। क्योंकि मीडिया वही परोसता है जो नरेंद्र मोदी जी उनको देते हैं, मीडिया वही बोलता है जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। लो भैया, लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है और इसको आपको जाके बोलना है। कई लाखों लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बैठ चुका है कि अगर देश को कोई जोड़ेगा तो वो सिर्फ राहुल गांधी जोड़ेंगे। सच की लड़ाई झूठ से, एक हमारा झूठा प्रधानमंत्री है और एक तरफ राहुल जी जो सच की राह पर चल रहे हैं, प्यार की राह पर चल रहे हैं। 8 साल में ये जो सरकार रही है ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। एक तरफ महंगाई, औरतों का शोषण जो बढ़ गया है इस सरकार के अंदर, राहुल गांधी जी सबका सफाया करने के लिए निकले हैं। कि राहुल गांधी से साथ कश्मीर तक लोग यात्रा में पहुंच रहे हैं और लगातार लोगों का जुड़ाव होता जा रहा है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, एक साथ होके जा रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों अभी हम पंजाब में हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हैं। इस यात्रा में कई सारे दल अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और यहां पर देखिए कि इंटर स्टेट यात्री, इसके अलावा बात की जाए यूथ कांग्रेस, सेवा दल और जो मेन मुख्य टुकड़ी है भारत यात्रियों की वो तो है ही, उनके अलावा 3-4 टुकड़ी और है जो इस यात्रा में सभी लोग साथ में चल रहे हैं। और मैं चाहूंगा एक मिनट जरा आप सभी लोग शांत हो जाएं। दोस्तों बता दें कि जैसे सिविल सोसाइटी, सेवा दल, सभी लोग चलते रहिए, आप बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से चलते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जो इंटर स्टेट यात्री हैं उनका भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन बनाकर रखी इन लोगों ने और साथ में चलते लाइन बनाकर आप लोग चल रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए ये हम सारे भारत इंटर स्टेट यात्रीज हैं जो भारत के विभिन्न विभिन्न शहरों से आए हैं और इनका एक ही मकसद है सच की लड़ाई झूठ से। एक हमारा झूठा प्रधानमंत्री है और एक तरफ राहुल जी जो सच की राह पर चल रहे हैं, प्यार की राह पर चल रहे हैं। और ये जो सारे आप योद्धा देख रहे हैं भारत यात्री, इनको हम योद्धा कह रहे हैं 21वीं सदी के, और ये सारे सच्चाई का समर्थन करने आए हैं। एक तरफ महंगाई, औरतों का शोषण जो बढ़ गया है इस सरकार के अंदर, राहुल गांधी जी उन सब का सफाया करने के लिए निकले हैं और हम सब भारतीय होने के कारण उन सब का साथ देने। हम गंगा नहा ले, गंगा उठा ले, हम झूठ बोलते नहीं, जितना काम हमने किया उतना हुआ ही नहीं। देखिए आप सबको पता है कि हमारा प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। जैसे अमेरिका में ट्रंप था वो इसका जोड़ीदार था, जो उसका हाल हुआ झूठ से पतन हुआ, यहाँ पे भी पतन होगा, अंत में सच्चाई जीत की होती है। मोदी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर देखे सभी इंटर स्टेट यात्री जा रहे हैं। जरा ये बताइए सर कि इंटर स्टेट यात्रियों की जो ये उपज है ये कैसे हुआ, और क्योंकि यूथ कांग्रेस भी साथ में चल रहा है, सेवा दल भी साथ में चल रहा है, ये कब बना और कैसे बना? ये सारे यात्री भारत यात्री हैं, राष्ट्रीय यात्री हैं, राहुल गांधी जी की सेना है। और जिस बात की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे कोई बात डिस्प्यूट नहीं है, इस सारे यात्री एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, इस यात्रा से जुड़ने वाला हर व्यक्ति इस देश के लिए चल रहा है, राहुल गांधी जी के उस संकल्प के साथ चल रहा है जो देश को एक करने के लिए चल रहे हैं। अच्छा एक चीज और दोस्तों हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, देखिए भाई साहब नंगे पांव चल रहे, थोड़ा सा ये अपना बैनर पोस्टर ये थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप ये नंगे पांव चल रहे, बाकी जितने लोग हैं सभी जूते पहनकर चलते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये पक्की सड़क है, इस पर नंगे पांव चल पाना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जैसा कि आप देख पाएंगे तमाम सारे लोग हैं इस यात्रा में, कई सारे ऐसे लोग हैं, गिनती अगर की जाए तो 5 से 10 लोग हैं जो नंगे पांव चलते हैं। नंगे पांव क्यों चल रहे हैं? नंगे पांव इसलिए चल रहा हूं कि इस देश के अंदर ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जातिवादी,
धर्मवादी बाद में राष्ट्रवादी पहले बनिए। और आप अगर इस बात पे ध्यान रखिएगा कि अभी मेरे भाई साहब ने बोला कि मोदी जी सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, अगर मीडिया सही तरीके से दिखाना चालू कर दे तो इस देश के अंदर जो नफरत फैली है ना वो सब सही हो जाए। क्यों? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान की जो लाल किले से भी झूठ बोले हैं। नहीं पता हो तो आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि लाल किले से भी झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन है, वो नरेंद्र मोदी है। लेकिन नरेंद्र मोदी ही तो देश के लिए कर रहे सेवा, उनका तो कोई परिवार अरे नहीं। आप मीडिया वालों सुधर जाओ, ये मीडिया की चालबाजी जो चल रही है ना, जो नौटंकी चल रही है, वो मीडिया जो दिखा रही है वो लोग जो देख रहे हैं आने वाले समय में मीडिया को भी वहीं पहुंचाएंगे और मोदी जी जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं उनको भी वहीं पहुंचाएंगे जहां से वो आए हैं। देश के तमाम लोग कहते हैं कि इस देश को मोदी से अच्छा पीएम कोई मिल ही नहीं सकता। देश के वो तमाम लोग कौन है? कितने तमाम लोग है? ये जो लोग चल रहे हो कौन है? कितने लोगों ने कितने प्रतिशत वोटिंग पड़ी है नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में? ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया जो बताना चाहता है इस हिंदुस्तान को सिर्फ मोदी मोदी मोदी। अरे ऐसा मोदी कि ये विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का प्रचार करने आता, नमस्ते ट्रंप। और हुआ क्या? तो उससे हमारे देश के रिश्ते क्या अमेरिका से अच्छे रहेंगे? बाइडेन जी के साथ अच्छे रहेंगे क्या? ये मीडिया वालों, अभी भी मैं चुनौती देता हूं और समझाना चाहता हूं, सुधर जाइए आप लोग। आपकी नाराजगी ज्यादा मीडिया से है कि मोदी से है? मेरी नाराजगी सबसे ज्यादा तो मीडिया से ही है। अच्छा। क्योंकि मीडिया वही परोसता है जो नरेंद्र मोदी जी उनको देते हैं। मीडिया वही बोलता है जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। लो भैया, लिखी लिखाई स्क्रिप्ट है और इसको आपको जाके बोलना है। जैसे देश में एक लड़ाई हो गई है, मोदी वर्सेस राहुल हो गया है, तो कैसे देखते हैं कि कितना भारी पड़ेगा इस यात्रा का सर मोदी पर? क्या लगता है कि राहुल गांधी इस रेस में आगे निकल पाएंगे 24 में? मेरे हिसाब से ये जो मोदी और राहुल की लड़ाई है, इसमें आपको और हम सबको एक नजरिया होना चाहिए कि ये मोदी और राहुल जी की नहीं है, ये सच और झूठ की लड़ाई है। एक सच्चाई और एक सत्य और एक असत्य, ये दोनों के बीच की लड़ाई है। जैसे अभी भाई ने कहा कि ये जो है मीडिया के द्वारा बनाया गया है, मीडिया का हाथ बंधा हुआ है। अच्छा। उसको बांधने के लिए जिस मजबूरी को बाकायदा सुनियोजित तरीके से गढ़ा गया है, रचा गया है कि हर एक व्यक्ति डरे अपने कर्तव्यों से। जब कोई इंसान परे होता है ना, तो वो जो कर्तव्य की निष्ठा जो है उसको, उसका हनन होने के लिए जिस तरीके से राजनीति रची जाती है अंदरूनी, जब 2014 में सरकार बनी, वो हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में ये चीजें हमें देखने को मिली। लगातार हर एक व्यक्ति, गरीब से लेकर व्यापारी और मजदूर, किसान, हर कोई परेशान है। और हर कोई और लोगों से, सर कहाँ से आप आए हैं? जी मैं एडवोकेट हूँ, भोपाल का हूँ, लेकिन चल रहा महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा अच्छा जी। सर इस यात्रा में आप चल रहे हैं, इस यात्रा को तमाम लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है, वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक खेती तैयार करने के लिए यात्रा है। देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये यात्रा जो चली है ये नफरत की दीवार तोड़ने के लिए चली है। उद्देश्य जो इस यात्रा का है वो भारत जोड़ने का है, ना कि जो आप कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं ऐसा कह रहे होंगे, लेकिन पूरा देश उमड़ पड़ा है राहुल जी के लिए। और राहुल जी जो संदेश लेकर चल रहे हैं वो जन जन, घर घर तक, किसान तक, बेरोजगारों तक, शिक्षित बेरोजगारों तक, मजदूरों तक, सब तक पहुंच चुका है। और लोग देखिए, आप तांता लगा हुआ है, लाखों कई लाखों लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बैठ चुका है कि अगर देश को कोई जोड़ेगा तो वो सिर्फ राहुल गांधी जोड़ेंगे, गांधीवादी विचारधारा से जोड़ेंगे। और इस देश के अंदर एक ही चीज चलेगी, गांधीवादी विचारधारा, क्योंकि इस देश को जब आजाद कराया वो गांधीवादी विचारधारा ने ही आजाद किया है। और इस देश को जोड़ने का काम भी गांधीवादी विचारधारा जो लेकर निकले हैं राहुल गांधी, वो पूरा कर चुके हैं। संदेश आ चुका है, लोग उमड़ चुके हैं और ये पूरी तैयारी है, लोगों के अंदर ये बात बैठ गई है कि नहीं, वाकई देश के अंदर प्रेम भाव, सद्भावना, ये सब होना चाहिए। देखिए, ये देश जो है विविधता में एकता का देश है, यहाँ कई रंग, कहीं और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप कहाँ से चल रहे हैं सर? सर हम दिल्ली से चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट हमारा श्रावस्ती लगता है उत्तर प्रदेश का। ऐसा कहते हैं कि देश की राजनीति जो है वो दिल्ली से ही चलती है, और इस यात्रा में दावा किया जा रहा है कि भाईचारा कायम करने के लिए ये मुहिम जो है चलाई जा रही है। इस मुहिम से
जो लोग जुड़ रहे हैं वो तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी को कितनी चोट पहुंचेगी, कितना नुकसान होगा? देखिए सर, बीजेपी रही बात है जुड़ने की बात है, तो इसमें हर तबके के लोग, किसान हैं, हम जैसे बेरोजगार लोग हैं, स्टूडेंट, वो सब जुड़ रहे हैं, क्योंकि 8 साल में ये जो सरकार रही है ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। अभी आपने तत्काल में देखा है कि एक हमारे माननीय झूठे प्रधानमंत्री महोदय जी एक रोजगार मेला लगाए, तो ये रोजगार मेला नौजवानों को नहीं चाहिए, बेरोजगारों को मेले की जरूरत नहीं है, उनको रोजगार चाहिए, वो सिर्फ उनकी इवेंट बाजी रही है। इससे पहले 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? 2 करोड़ रोजगार जो है वो कहीं है नहीं, दिखा नहीं। 30 लाख ऐसे सरकारी विभाग में पद हैं जिनपे ये सरकार ना कोई डिसीजन ले रही है और ना ही उनपे भर्ती कर रही है। और रही बात है भारत जोड़ो, बिल्कुल सही है, और तमाम सारे ऐसे पद हैं सभी विभागों में, कोई एक विभाग नहीं बचा हुआ है, और जहां जहां भी, चाहे वो राज्य सरकार की बात करें चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें, अगर देखा जाए तो सभी लोग परेशान ही है। जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, जिन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी कर ली, वो सब धरना दे रहे हैं, और भी तमाम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए साथ में ये जो यात्रा है काफी लंबी है, और जी तो यहाँ पर सर है हमारे साथ, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ से चल रहे हैं आप? जी हम शुरू से चल रहे हैं, मेरा नाम विक्रांत पांडे, उत्तर प्रदेश बलिया से आता हूँ। बलिया वो धरती है जहाँ से चंद्रशेखर जी भी हमारे प्रधानमंत्री आ चुके हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा में जो हम सारे साथी एक से एक हाथ जोड़ के चल रहे हैं, ये हम एक संदेश देना चाह रहे हैं कि भारत जो है अनेकताओं में एकताओं के लिए माना जाता है, और हम जो कन्याकुमारी से चल रहे हैं, आज हम पंजाब में हैं, हर एक प्रांत में हमने देखा अलग अलग भाषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन, उसके बाद भी भारत एक है। इसी भारत को जो आज की केंद्र सरकार है, जो एक दूसरे से लड़ाने का, एक दूसरे से भड़काने का जो काम कर रही है, उस ताकत के खिलाफ, उस नफरत के खिलाफ हम चल रहे हैं, और भारत जोड़ेंगे, और हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत का तिरंगा लेके जा रहे हैं। और जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, उस तरीके से लग रहा है कि 2024 में जरूर एक बड़ा बदलाव आने वाला है, और देश के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी प्रकार। जी, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं हम, उसके बाद में वीडियो को समाप्त करते हैं। सर एक चीज बताइए कि इस यात्रा में मैंने देखा ज्यादातर लोग, जो केंद्र है सरकार, केंद्र सरकार चर्चा का विषय बनी हुई, तो आप लोगों की जो लड़ाई है वो बीजेपी की विचारधारा से है या फिर नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों से है? नहीं, स्पष्ट है हमारा लड़ाई है बीजेपी का विचारधारा से, ये नफरत वाली विचारधारा है, और इन लोगों का एक्चुअल चीज है जो बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो वादे किया ने ये गवर्नमेंट वो पूरा नहीं कर पाया, और उनके ऊपर गलत GST और नोटबंदी जैसा पागलपन भी कर रहे हैं, उनसे जान भटकाने के लिए लोगों को तो, और नफरत वाला राजनीति हो रहा है, ये ध्यान भटकाने वाला राजनीति है, इनसे लोगों को अलर्ट करके सही मुद्दा पर देश का राजनीति को, इस तरह से राजनीतिक है यात्रा, देश का राजनीति को सही मुद्दे पर चला रहे हैं। वो देश के जो बड़े मुद्दे हैं, दोस्तों आप इधर आ जाइए, देश के जो बड़े मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका करके यहाँ पर, जैसा कि भैया ने बताया आपको, उनका कहना है कि धर्म पर लड़ाया जा रहा है, जाति पात को ज्यादा आगे फ्रंट पर लाया जा रहा है। यहाँ पर और भी तमाम सारे लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और कन्याकुमारी से शुरुआत से चल रहे हैं। अच्छा, देवन से सर। बिल्कुल, इस देश में जिस तरीके से जाति, धर्म और मजहब और भाषा और प्रांत के नाम पे जिस तरीके से पूरे देश में नफरत फैलाया जा रहा है, क्या आज वाकई में भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता के साथ न्याय कर रही है? जो भारतीय जनता पार्टी कई नारों के उद्बोधन के जरिए इस देश की जनता को भ्रमित करने का काम की, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, जिन्होंने सबका साथ सबका विश्वास का नारा दिया, ये वही पंजाब की धरती है जहाँ का किसान साले 1 साल से ज्यादा 750 किसान शहीद हुए और सड़कों पे सरकार को झुकाने का काम किया। आज उसी पंजाब में आप चल रहे हैं, और ये पंजाब की जनता ने तय कर दिया है, ये लोगों ने तय कर दिया है कि आने वाले जो 2024 का चुनाव होगा वो जमीनी मुद्दों पर होगा, इसीलिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं।
अच्छा सर, आपने बताया कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपने एक चीज देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लोग राशन पाकर ही खुश हैं, राशन की पैकेटों पर जितना राशन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती, उससे ज्यादा अच्छी फोटो दिखाई देती है। तो क्या लगता है वहां पर कांग्रेस के लिए चुनौती कितनी बड़ी है जहां पर जनता 5 किलो राशन को ही सब कुछ मानती है? देखिए, भगवान श्री राम की धरती है, जिन्होंने कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जिन्होंने राम के नाम पे जो सत्ता में आए हुए थे, जो राम के नाम पे देश की जनता को गुमराह किए, मुंह में राम बगल में छुरी, जिनके शासनकाल में सत्ता के पीछे बैठे रहे, आज क्या बताइए 5 किलो राशन या देश के युवाओं को शिक्षा और कलम की जरूरत है? कलम की ताकत अगर आप होगी तो आप हक मांग सकते हैं। आज हक मांगने के लिए आपको कितने भी दिन संघर्ष कर लें, लेकिन आपको हक नहीं मिलता है। आज सड़क पे लोग उतर रहे हैं जनता की आवाज बनके, और ये जो सभी साथी हैं ये शुरुआती दिनों से ही चल रहे हैं, इन्होंने कितने संघर्ष किए हैं, क्योंकि इस देश की जरूरत है आज युवाओं की। युवाओं को ये जरूरत है, जो लोग कहते थे नफरत के नाम पे देश को बांटना चाहते हैं, तमिलनाडु की बात करें या वही केरल का मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में भुनाया गया था, कर्नाटक का हिजाब का मुद्दा, हिजाब के मुद्दे के जरिए देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित किया गया और वहां पे सत्ता में सरकार आई, लेकिन उस वायदे को नहीं पूरा किया। उन्होंने जो वायदा जनता के सामने रखा था, जो अपने मैनिफेस्टो में, आज इसीलिए हम लोग पैदल चल रहे हैं। और कन्याकुमारी से जिन लोगों को ये तय हो गया था कि ये यात्रा पूर्ण नहीं होगी, मैं आज उनको दूरबीन हटा देना चाहता हूं कि राहुल गांधी से साथ कश्मीर तक लोग यात्रा में पहुंच रहे हैं और लगातार लोगों का जुड़ाव होता जा रहा है और जुड़ते जा रहे हैं, एक साथ होके जा रहे हैं और सभी लोग चल रहे हैं। मैं कहता हूं द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, गांधी का तो वंशज है पैदल इतना चल कि सरकार हिला सके, और सरकार हिलेगी और देश की जनता राहुल गांधी के साथ चलने का काम करेगी। आप जैसे पत्रकार, इस देश की मीडिया जो कहीं ना कहीं पूरे देश को भ्रमित करने का काम कर रही है, आप लोग अगर सच्चाई को दिखा रहे हैं तो आप लोगों को सल्यूट करते हैं कि देश की जनता जागेगी और लोगों की आवाज़ को एक साथ सुनी जाएगी और सरकार आने वाले समय में बदलने का काम देश की जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों की जो इंटरस्टेट टुकड़ी है वो काफी पीछे तक है और सभी लोग यहाँ डिसिप्लिन तरीके से चल रहे हैं। आप देखेंगे आखिर तक आपको सभी दिखाई देंगे। यहाँ आखिर में भी कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर आपने देखा होगा अक्सर अभी बात करें हम उत्तराखंड की, एक मामला आया हल्द्वानी का, जोशीमठ का। हल्द्वानी में तमाम सारे मुस्लिम भाई रहते हैं, उनसे कागज की मांग की गई, उनके जो घर हैं उनको अवैध बता दिया गया और वो जमीन जो है वो सरकारी बता दी गई, और वहां पर बुलडोजर चलाने के लिए सरकार एकदम से बेकरार थी। वहीं जोशी मठ में जो मकानों में दरारें आई, तमाम तरह की दिक्कतें आई, उनके लिए सरकार जो है कुछ बंदोबस्त ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है। वहां के जो लोग हैं वो वहां की बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ये जो सरकार है द्वेष लिए हुए है, एक पक्ष के लिए पूरा द्वेष लिए हुए है, उनको अपन पिछले 8 साल से देख रहे हैं, ये सिर्फ द्वेष भावना से ही काम कर रहे हैं इस राज्य, इस देश के अंदर। इनको जहाँ भी अवसर मिलता है तो ये कुछ ना कुछ करके जो मोमेडियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनको अल्पसंख्यक बोलते हैं हम लोग, उनको ये दबाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देश की आजादी में सभी समाज का हाथ था, ऐसा तो है नहीं, मैं तो समाज मानता ही नहीं हूँ, मैं तो ये मानता हूँ ये आसमान एक है, पृथ्वी एक है, वायु एक है, अग्नि एक है, श्री सूरज चंद्रमा एक है, तो हर इंसान भी एक है जो प्रकृति का बनाया हुआ है। तो ये कुछ ना कुछ रास्ता ऐसा बनाते हैं जिससे ये अपनी जगह को मजबूत कर सके और ज्यादा, कहीं ना कहीं वोटिंग के रूप में, कहीं ना कहीं ये विधानसभा के चुनाव और मजहब को लेकर के। दोस्तों बहुत ज्यादा आपने देखा होगा भी हल्द्वानी वाला मामला किस तरीके से वहां पर दिखाया जा रहा था इनडायरेक्टली कि यहां पर तमाम मुस्लिम रहते हैं और यहां पर बुलडोजर चलाया जाए ताकि एक जो बड़ा वोट बैंक है हिंदू का उन्हें खुश किया जा सके। यहां पर एक और हमारे सर साथ में है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश गुप्ता है, मैं फरीदाबाद हरियाणा से आया हूं और राजस्थान से झालावाड़ से मैं चल रहा हूं। सर देश के बड़े मुद्दे हैं, उन पर सरकार कहीं ना कहीं आपने देखा होगा डिबेट भी नहीं होती, जैसा कि अभी सबसे ज्यादा लोगों ने मीडिया पर सवाल उठाया वो सच है, तभी लोगों में इतनी नाराजगी है। क्या लगता है किस तरीके की जो स्थिति हुई है, चाहे वो न्यायपालिका की बात कर ले, वो भी हमें सड़कों पर दिखाई दिया और इसके बाद में मीडिया संस्थान पर भी आरोप उठाते हैं, जो देश के 4 स्तंभ है वो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं खतरे में है। देखिए ऐसा है, देश में जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी का है, तो इसके लिए ये क्या कहते हैं ये लोग, अगर आप इनसे कोई क्वेश्चन पुट अप करेंगे जन समस्याओं की तो ये लोग जो है ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करेंगे। अगर आप इनसे पूछेंगे क्या कहते हैं कि भाई स्वास्थ्य के लिए या बेरोजगारी के लिए आप क्या कर रहे हैं,
तो ये उसके लिए और कोई बात जैसे कि सलमान खान ने क्या पहना है, ध्यान भटकाने के लिए जो है इधर उधर कर सकते हैं। और बाकी जो है इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है नफरत फैलाना। हिंदुस्तान जो है वो एक गुलदस्ता है, उसमें तरह तरह के हर धर्म बिरादरी के जात पात के लोग यहाँ पर गुलदस्ते में फूलों के रूप में हैं। तो उसके लिए क्या कहते हैं ये लोग जो है नफरत फैलाना है। एक शेर एक छोटा सा एक वो है कि नव दुर्गों के बर्थ हमारे और रमजान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ पर जो है मजहब नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और ये जो बीजेपी के लीडर जो हैं वो ज्यादातर जो करते हैं वो ये करते हैं कि नफरत फैलाकर हिंदू मुस्लिम को अलग अलग डिवाइड करके अपने जो है कहते हैं वोट के लिए ये लोग ये काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर ने तमाम सारी जो चीजें बताई उनमें से कई सारी चीजें जो है वो सही है। आपने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में एक मूवी आई है पठान, उसमें भगवा रंग को लेकर के किस तरीके से बकायदा एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया, जबकि वो नहीं होना चाहिए। देश के और तमाम जरूरी मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा है। आजकल आप देख पा रहे होंगे, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, आप देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। बहरहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बने रहिए आप द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।